गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी अपनी सामान्य ज्ञान की किताब निकालिए। इसमें आप पार्ट 5 पेज नंबर 38 पर निकालिए। इस पार्ट का नाम है सड़क सुरक्षा यातायात चिन्ह। इस पार्ट में हम सड़क में चलने के लिए हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें, आपके यहाँ सिग्नल बना हुआ है, रोड लाइट, ट्रैफिक लाइट बनी हुई है, जहाँ पे इसमें 3 बत्तियाँ दे रखी हैं उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले लाल सिग्नल पर हमें रुकना चाहिए। फिर है हरा सिग्नल, हरे सिग्नल पर चलिए, जिधर की तरफ सिग्नल जाने का इशारा कर रहा है उसी साइड हमें जाना चाहिए, उसी साइड वाले व्यक्ति को जाना चाहिए। पीली बत्ती पर रुके रहें और चलने के लिए तैयारी कीजिए। लाल बत्ती, जलती बुझती लाल बत्ती, रुकिए और दाएं बाएं देखकर चलिए। थोड़ा सा रुककर अपने दाएं और बाएं देखकर चलना चाहिए। जलती बुझती पीली बत्ती, धीरे होकर दाएं बाएं देखकर चलिए। इसका मतलब है जो कि धीरे 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 चलना चाहिए और दाएं बाएं देखकर चलना चाहिए। अब है आपके एक एरो बन रहा है और उस पर लाइन खींच रही है, इसका मतलब है प्रवेश निषेध, मतलब उस जगह पर जाना मना है। इसके बाद आपको दोनों साइड के एरो बन रहे हैं और उन पर लाइन खींची हुई है, इसका मतलब है एक तरफा यातायात, एक तरफ का यातायात चालू है, मतलब एक तरफ ही जाने का रास्ता है और आने का रास्ता नहीं है, या फिर आने का रास्ता है और जाने का रास्ता नहीं है। अगला है एरो बन रहा है, उसका दाहिने तरफ मुड़ना का निशान बन रहा है और लकीर बन रही है, इसका मतलब है दाहिने मुड़ना निषेध, दाहिने मुड़ना मना है। इसके नीचे आ जाइए, इसमें बाएं तरफ के निशान बन रहा है और उस पर भी लाइन खींची हुई है, इसका मतलब है बाएं मुड़ना निषेध है। अगला है चिमटा मोड़, मुड़ना निषेध, यानी कि आपको आगे जाके मुड़ना मना है। इसके बाद आपको एक हॉर्न का निशान बन रहा है, उसके बीच में लाइन खींच रही है, यानी कि हॉर्न बजाना मना है। अगला है नो पार्किंग लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना मना है, वहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते जहाँ पे नो पार्किंग लिखा हुआ होता है। अगला है क्रॉस का निशान, रुकना खड़ा होना मना, जहाँ पर भी क्रॉस का निशान लगा होता है वहाँ पर खड़े होना नहीं चाहिए, मना होता है। एक सीधी लकीर एरो बन रहा है, उसका अर्थ है केवल सीधे जाना है, वहाँ पे आपको सीधे ही जाना है। एक इस पिक्चर में आपको पैदल चलते हुए एक आदमी दिख रहा है, इसमें इसका मतलब है आपको पैदल पार करना है। अगला है प्लस का माप निशान बन रहा है, यह आपको दर्शाता है चौराहा, कि ये चौराहा है। आगे टी जैसा निशान बन रहा है, इसका मतलब है आगे मुख्य सड़क है, आगे जाएंगे आप एक मुख्य सड़क आ जाएगी। एक फ़ोन जैसा, अगले में फ़ोन जैसा चित्र बन रहा है, ये सार्वजनिक दूरभाष है, कि यहाँ पे एक पब्लिक टेलीफोन फैसिलिटी है। इसके बाद है पी का निशान बन रहा है, इस और पार्क है, पी के निशान का मतलब है कि वहाँ पे आसपास पार्क है। दुर्घटनाएं हमेशा असावधानी से होती हैं, लेकिन सावधानी से ही हो ही नहीं सकती हैं, दुर्घटना हमेशा हमारी लापरवाही से ही होती है, अगर हम लापरवाही नहीं करेंगे तो हम सावधानी से असावधानी से बच सकते हैं। यह सड़क सुरक्षा के जो चिन्ह हैं इनके बारे में आज हमने पढ़ा है। अब आपको अपनी कॉपी के अंदर ट्रैफिक लाइट का चित्र बनाना है और इन जो चिन्ह अपन ने इन बुक में पढ़े हैं इनको भी आपको अपनी किताब में बनाना है और इनके सामने कि इसका मतलब क्या होता है वो भी आपको लिखना है। थैंक यू।